ढगार भाई आप किधर रहते हो भाई? भाई मैं रहता हूँ दिल्ली में भाई। दिल्ली में कोई अच्छे टट्टू का डॉक्टर है क्या भाई? हाँ मैं ही हूँ टट्टू का डॉक्टर। टट्टू का डॉक्टर मैं ही हूँ भाई। हमारे वहाँ के बड़े डॉक्टर ने बोला था कि कोई अच्छे डॉक्टर से इसके टट्टे चट वाले सही हो जाएगा भाई। चाटोगे क्या? रंगूज भाई यार, हाँ अरे पता है इसको कौन सी बीमारी है? देखो भाई, देखो भाई, एक मिनट अंकुल भाई। जिंदगी में बहुत सपना देखा था भाई, 19 साल की उम्र में मरने वाला हो भाई। मेरे लिए दुआ करना भाई, पूरे कर लो भाई। ऐसा बीमारी यार किसी को ना हो यार। ऐसा क्या हुआ भाई? मेरे टट्टों में कैंसर हो गया भाई। बहुत ज्यादा गुटखा खाता था मैं। क्यों खाता था गुटखा भाई? था ना 19 साल में गुटखा खा रहा है। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? तो गाइस आप लोग भी जानते हो यार, मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ। मतलब बीमार कम ही नहीं हो रहा है, मेरा सब कुछ कम हो गया। अभी ये काशी कम नहीं हो रहा है, मतलब पूरा जोर से बोलता हूँ तो कंटिन्यू बात करता हूँ तो काशी निकल जाता है। और अभी सीने में और पेट में पूरा दर्द हो चुका है काशी में। तो वीडियो भी रेगुलर पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो कल रात में ने इसी बात का फ़ायदा उठाया। मैं वार्ड में गया बंदों से ग्रीन क्रिमिनल मांगने के लिए, और अंकुश भाई के साथ बॉय सेंजर यूज़ करके उनको भी बहुत ज़्यादा मज़ा लिया। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है वीडियो में। और प्लीज़ ईयरफोन यूज़ कर लेना, कि मतलब बैड लैंग्वेज का यूज़ किया हुआ हम लोगों ने, मैंने लूफी भाई ने। और गाइस फेसबुक में मैं डेली लाइव करता हूँ यार, उधर आ जाना आप लोग। उधर गिव भी करता हूँ मैं, तो उधर आ जाना आप लोग। और आज मैं फेसबुक में एक पोस्ट डालूंगा, उधर आप लोग जाके अपना UID लिख देना उस पोस्ट की कमेंट में। मैं उधर से दो बंदों को मैं 500 डायमंड दे दूंगा, उससे हो सकता है आप लोगों का भी ग्रीन क्रिमिनल निकल जाए। तो गाइस चलो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना गाइस, लव यू गाइस। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। हेलो, हाँ कौन बोल रहे हो? भाई मेरा अज्जू, अज्जू तेरा चार बाप बोल रहा हूँ भाई। क्या नाम लिखा तेरा चार बाप? बचाओ भाई, आप कौन बात कर रहे हो भाई? ये नुबड़ा क्रिमिनल बोल रहा हूँ भाई। मेरा बात सुनोगा भाई, ग्रुप लेफ्ट मत करना। हेलो, हाँ ठीक है भाई। देखो मेरे पास बस 15 दिन है भाई, और मेरा बस लास्ट एक विश है भाई, एक क्रिमिनल से खेलो भाई। मेरा आईडी में क्रिमिनल निकल के दो भाई। मेरा हाथों में भाई बस 15 दिन है, बहुत बड़ा बीमारी हो गया मेरे को। हाँ 15 दिन है मतलब समझ नहीं आया भाई मेरे को। बहुत बड़ा एक मिनट भाई, मेरे को बहुत बड़ा बीमारी है भाई। मेरा लास्ट विश है भाई। क्या बीमारी है भाई? क्या बीमारी है तुमको बोलूँ ना? मेरा टट्टू में कैंसर हो गया भाई। अब डॉक्टर ने बोला है बस 15 दिन टाइम है मेरा, मैं और जी नहीं पाऊंगा। और डॉक्टर के पीछे सब पैसा चला गया भाई। भाई अच्छा तो तुम्हारा अपनी खोज क्या? हाँ अपनी खोज क्या है बताओ? क्रिमिनल से खेलना भाई है, मेरा आईडी में क्रिमिनल निकल के दे दो भाई। क्या बोल रहा भाई? अरे भाई हेलो, हेलो डेकन भाई हेलो। हाँ बोलो। अरे भाई यार ये अजूता चार बाप है ना, इसको पता है कौन सी बीमारी हो रही है? जो दादा गुटखा खाता है, जो दादा गुटखा खाता है भाई उसको होता है यार। मेरे को देखा है, मेरे को भाई 11 लेवल है, मैं कहाँ से गिफ्ट कर सकता हूँ? तुम्हें लगता है मैं गिफ्ट कर सकता हूँ? मेरे से ऐसे ही निकल गया भाई। अरे भाई हेलो भाई, तुम रहते कहाँ हो? मैं रहता हूँ टट्टू में। मरना क्या भोसड़ी के, मरना तेरे को डर नहीं लगता? टट्टू में रहते भाई।
मैं खुद की चट्टों में रहता हूँ। भाई बोलो ना, आप रहते कहाँ हो? बोलो ना, थोड़ा काम है बोलो। अरे भाई हेलो डेकन भाई, आप बोलो भाई। आज जो तेरा चार बाप है ना, हाँ, इसको मैंने गुलाब जामुन बोल के अपने टट्टे चटा दिया भाई। ये तो भाई खास रहे भाई, कोरोना भाई टट्टों में कैंसर किसका होता है भाई? टट्टों में बॉडी में कैंसर क्या बोल रहे है भाई तू? कुछ भी। अरे भाई मेरी बात सुनो भाई, इसकी आखिरी इच्छा थी गुलाब जामुन खाने की। हमें बहुत गरीब घर से हूँ भाई, तो मैंने बोला गुलाब जामुन कहाँ से ला के दूँ, तो मैंने इसको अपने टट्टे चटा दिए भाई। तो भाई बहुत हेवी ड्राइवर निकले। अरे भाई मेरे टट्टों में पसीना आ रहा था, तो इसने सोचा कि ये गुलाब जामुन का रस है, चाट गया भाई। भाई मेरे टट्टों में रस मतलब ये खाना है क्या? भाई सुनो यार, इसकी उस दिन से इसकी तबीयत और भी खराब हो गई यार, टट्टे चाट के। भाई मरने वाला हूँ ब्रो, सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई। ठीक है भाई, तुम्हारा आईडी मेरे को दे दो भाई, मैं टॉप अप कर देता हूँ। भाई निकाल लो ग्रीन चट्टी भाई। हेलो डेकन भाई। हाँ बोलो डेकन। अरे भाई यार परसों ही भाई अज्जू तेरा चार बाप के टट्टों का एक्सरे करा के रहा हूँ भाई। इसके टट्टू की दो हड्डियां फ्रैक्चर है भाई। भाई डकार भाई, भाई इसके टट्टू जो मेरे को तो लग रहा है इसके टट्टू नहीं, ये तो कोई मामूज है भाई। टट्टा टट्टे वाला मामूज। अरे भाई इसके टट्टों में भाई फ्रैक्चर है भाई, दो हड्डियों में भाई। इसके टट्टे बात भी कर सकते हैं क्या? हां भाई नहीं, इसके टट्टे। अरे ब्रो डकार भाई, आप किधर रहते हो भाई? मैं रहता हूँ दिल्ली में भाई। भाई दिल्ली में कोई अच्छे टट्टों का डॉक्टर है क्या भाई? हाँ मैं ही हूँ टट्टों का डॉक्टर मैं ही हूँ भाई। हमारे वहाँ के बड़े डॉक्टर ने बोला था कि कोई अच्छे डॉक्टर से इसके टट्टे चटवा लो सही हो जाएगा भाई। चाटोगे क्या? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हेलो 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 स्नाइपर भाई, अमन भाई। हेलो स्नाइपर भाई, अमन भाई। हेलो हेलो स्नाइपर भाई, अमन भाई। यस हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? स्नाइपर। हाँ स्नाइपर। स्नाइपर भाई कहाँ से हो भाई? घर। हाँ घर पे से। घर पे से कहाँ है आपका घर? जमीन पर। जमीन किधर पे है? यूपी में। अरे भाई मेरा थोड़ा बात करना है आपसे, थोड़ा बात करोगे मुझसे? ओके भाई देखो, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ भाई, और बहुत दिनों से डॉक्टर को दिखा रहा हूँ भाई, लेकिन बीमार कम ही नहीं हो रहा है। अभी आज मेरा रिपोर्ट आया, डॉक्टर बोल रहा है कि मैं बस 15 दिन बचूंगा मेरे भाई। डॉक्टर बोल रहा है मैं बस 15 दिन इस दुनिया में रहूंगा, इसके बाद मैं टपक जाऊंगा भाई। एक सर दूं। क्या बोल रहे हो भाई? एक टिप दूं। हाँ बोलो भाई। मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो कुछ लो। भाई अभी ये सब का मन नहीं है भाई, ये सब का मन नहीं है। जब आपको पता चले कि आप दुनिया में बस 15 दिन रहने वाले हो, तो आपको कुछ भी चीजों का मन नहीं रहता है भाई। तो पूरी मौज लो ना, मालूम है जो मुझे। कहाँ जाके मौज लो भाई, मौज लेने का जगह ही नहीं है, खड़ा भी नहीं होता है। वो खड़ा भी नहीं होता यार, मेरा पूरा डैमेज हो गया ना।
तो फिर जिंदगी में यार बस 19 साल का हो भाई। हेलो स्नाइपर भाई। भाई मेरा जिंदगी का बस एक लास्ट विश है भाई, आप पूरा कर पाओगे क्या वो? बोलो। देखो भाई गेम तो खेलता हूँ भाई बहुत दिनों से, लेकिन आईडी में देखो जितना दिन से बीमार पड़ा हूँ उतना दिन देखो आईडी देखो बंद था यार। इससे पहले मैं इलाइट पास सब कुछ लेता था भाई, लेकिन अभी भाई मरने के टाइम में भाई ब्लू क्रिमिनल वापस आ गया, ग्रीन क्रिमिनल। तो जिंदगी में कभी भाई क्रिमिनल से नहीं खेला भाई, तो अभी शौक है क्रिमिनल से खेल लगा, लेकिन भाई पैसा ही नहीं बचा, सब डॉक्टरों को दे दे। So how can I help you? अरे स्नाइपर भाई हेलो। अरे पता है इनको क्या तकलीफ है भाई? क्या? भाई इनके टट्टू में कैंसर है यार। भाई ये टट्टू में कैंसर है, डॉक्टर बोला यार इनको बचा पाना मुश्किल है भाई। भाई तुम की भाई यूपी में कोई अच्छा टट्टू का डॉक्टर है क्या? अरे स्नाइपर भाई सुनो यार, इनकी आखिरी इच्छा थी गुलाब जामुन खाने की भाई, मैंने इनको अपने टट्टे चटा दिए भाई गुलाब जामुन बोल के। भाई मेरे टट्टों में पसीना आ रहा था, मैंने इनसे बोला कि चाट लो, इन्होंने गुलाब जामुन का रस समझ के मेरे टट्टों का पसीना चाट लिया भाई। अब इनकी हालत और भी ज्यादा गंभीर है भाई, यार कुछ करो यार भाई प्लीज यार। भाई देखो जानते हो कि टट्टों का इलाज। भाई देखो तुमको लग रहा हो मजाक कर रहा होगा, लेकिन भाई तुमको अगर ये पता चले ना तुम्हारे हाथ में बस 15 दिन है, जो कि अभी खत्म होने वाला 14 दिन होने वाला है भाई, तो तुमको कैसा लगेगा भाई सोचो बस। मेरा गुटखा खाता था यार, इसके गुटखा खाते खाते डट्टों में कैंसर हो गया यार भाई। प्लीज भाई मेरा ग्रीन क्रिमिनल निकाल के दे दो यार, 14 दिन भी खेलूंगा तो मेरा शौक पूरा हो जाएगा भाई। अरे हेलो भाई, तुम किसी टट्टो के विशेषज्ञ को जानते हो क्या है भाई? जी नहीं। हाँ जी नहीं, नहीं जानते क्या? अरे यार भाई यार बड़ी तकलीफ में आ रहे बंदा, इसका एक टट्टा डैमेज हो गया यार पूरा भाई। प्लीज यस सर। हेलो हाँ प्लीज भाई दे दो ग्रीन क्रिमिनल। अपनी कार्ड भेज दो भाई यार, पैसा मिल जाएगा थोड़ा इससे ग्रीन क्रिमिनल दो यार, चार बाप को बोलो भाई। तो भाई अपने आईडी भेजो और मेरे को डायमंड दो, मैं कितने पैसे खरीदूंगा, मैं खेल लूंगा तुम्हारी तरफ से, तुम समझना। सुनो इससे अच्छा प्लान है मेरे पास, तुम अपना गांड दे दो, हम इसका धंधा करके ले लेंगे यार। हाँ ये सब हम 400 में 400 में आधा घंटा से ग्रीन क्रिमिनल निकल लेंगे। गाइस रात बहुत ज्यादा हो गया था, तो वार्ड में बंदे माइक ऑन नहीं कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं वॉइस चेंजर यूज करके अंकुर भाई के मजे लूं, तो इस पार्ट से देखना बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और गाइस इधर मेरा OBS में रिकॉर्ड नहीं हुआ वो वॉइस चेंजर, लेकिन गेम में वॉइस चेंज होकर जा रहा था, लेकिन OBS में रिकॉर्ड नहीं हुआ, फिर भी मजा आएगा आप लोगों को, बहुत मजा आएगा देख लो लास्ट तक। हेलो लोहे आवाज चेंज हो रहा है? पहनचे थे क्या चूती वाला आवाज है? बोला अंकुर भाई को बोला
अंकुर भाई को बुलाऊंगा साला यार। रुको नहीं आ रहे बे। हेलो 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 भाई, हेलो अंकुर भैया, हेलो अंकुर भैया, बिग फैन। अबे किसके कहाँ कहाँ ग्रुप में पूछे होते हो यार। हेलो लोफी भाई। हाँ अंकुर भाई को बोलो ना मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए। अरे अंकुर भाई इसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले यार, बच्चे का मैं भेज देता हूँ यार, क्या दिक्कत है। लो अंकुर भाई। अरे अरे बहुत बीमार है यार। क्या हुआ? और इसकी बीमारी ऐसी है जिसका इलाज भी नहीं हो सकता भाई। ऐसी कौन सी बीमारी? एड्स है क्या? हेलो अंकुश भैया। अच्छा हाँ भैया देखिए मैं बस 15 दिन जिंदा रहूँगा भाई, डॉक्टर ने बोला है। अभी बहुत निकाल लिया यार, 19 साल की उम्र में मेरा दुनिया ख़त्म होने वाला है। तो मेरा ज़िंदगी का 2-3 सपना था यार, आज एक लूफी भैया ने कंप्लीट करा दिया आपसे मिला के यार। मैं आपका हर वीडियो देखता हूँ भाई, बिग फैन भाई। ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए आपको, लेकिन एक बात है भाई, मेरा एक विश है, आप पूरा कर पाओगे क्या? बताओ भाई, ट्राई करें। आप जम्मू कश्मीर से हो ना भाई? भाई देखो मैं गेम बहुत खेलता था भाई। देखो मेरा लाइट पासेस देखो पुराना, सब लाइट पासेस लेता था। अभी 3 महीने से बीमार हूँ और आज जाके पता चला है मैं और 15 दिन बचूंगा बस। तो भाई मेरा मतलब मेरे को क्रिमिनल से खेलने का बहुत मन था भाई। तो अभी क्रिमिनल दे दिया गरीना ने, लेकिन निकालने के लिए पैसा ही नहीं बचा है भाई। अगर आप बुरा ना माने तो मेरे को क्रिमिनल निकल के दे सकते हो क्या? मेरा लास्ट वही से बस 14 दिन बचा है ना, आज चला जाएगा तो मैं क्रिमिनल से 14 दिन खेलूंगा भाई। अच्छा ये भी ठीक है, कल निकाल दूंगा तो चलेगा? चलेगा भाई, पक्का निकाल दोगे ना? हाँ पक्का निकाल दूंगा भाई। अरे अंकुश भाई यार। हाँ अरे पता है इसको कौन सी बीमारी है? देखो भाई, देखो भाई एक मिनट अंकुर भाई। जिंदगी में बहुत सपना देखा था भाई, 19 साल की उम्र में मरने वाला हूँ भाई। मेरे लिए दुआ करना भाई, पूरे कर लो भाई। ऐसा बीमारी यार किसी को ना हो यार। ऐसा क्या हुआ भाई? मेरे टट्टों में कैंसर हो गया भाई, बहुत ज्यादा गुटखा खाता था मैं। क्यों खाता था गुटखा भाई? इंसान तो है ना, 19 साल में गुटखा खा रहा है। अंकुर भाई तुम आज कैसे सकते हो यार, किसी की बीमारी के ऊपर टट्टों में कैंसर है भाई, उसका एक टट्टा डैमेज हो गया पूरा। तुम्हें तुम देख के आए थे क्या लोभी भाई? ये बताओ व्हाट्सएप में फोटो भेजी है भाई, तुम्हें मिलू क्या? आपका आपका जम्मू में कोई टट्टो का डॉक्टर है क्या? अंकुर भाई जम्मू में अच्छा टट्टा देखने वाला है क्या? कोई टट्टा विशेषज्ञ नहीं है भाई, ऐसे डॉक्टर बैठे हैं। गुप्त रोग वाला डॉक्टर है क्या? होगा ना बहन, उत्तराखंड में होगा। अंकुर भाई मैं कौन हूँ बताओ? बड़ो रे कौन हो सकता है बहन? तू नहीं बैठ अंकुर भाई, टट्टे में कैंसर है यही सोच रहा था माधव चौधरी। एक लूपी बड़वा हो सकता है, दूसरा गलत पेट में दर्द है वैसे। अंकुर भाई सच में देने वाला था क्रिमिनल? दे देता भाई क्या है, बट मरता बाद। चलो यार चलो भाई,
आपका काट दिया वॉइस चेंजर की मदद से, थैंक यू। चलो बाबा सिर्फ आवाज निकालो चार बाप ने।